क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, जैसे अभी तक हम लोग बहुत इजी तरीके से पढ़ रहे थे वैसे ये भी है, ध्यान से देखिएगा। बस लिखा गया है, देखिए, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें कोई ऐसा तीन नंबर बताना है, थ्री नंबर्स बताने हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या कर दिया जाए, अगर डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए उसका तो क्या होना चाहिए, वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को एक बताया था कि कभी भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की बात करेगा मीन्स रिमाइंडर क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है, कभी भी सॉरी रिमाइंडर क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो रिमाइंडर जीरो होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो मीन्स रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। चलते हैं, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम राइट करेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, पहला हो जाएगा आपकी पाई की वैल्यू, पाई इक्वल आपके पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159। अगर ऐसे लिखते चले जाओगे ये कभी भी एंड नहीं होगा, मींस ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। जैसे हम ले लें अंडर रूट टू को, अगर हम अंडर रूट टू की बात करें, हम लोगों ने डिविजिबल मेथड से, लॉन्ग डिविजन मेथड से पढ़ा हुआ था क्लास 8 में। 2 का जब हम निकालते थे पेयर बनाइए तो पेयर बन ही रहेगा, मतलब अब यहाँ पे कितने टाइम चलेंगे, जितना यहाँ लिखते हैं उतना ही यहाँ लिखते हैं, मीन्स 2 2 4 ज्यादा हो जा रहा है, मीन्स 1 टाइम चलेंगे, तो 1 1 1 हो गया, प्लस 1 करिए 1 1 2 हो गया, 2 में से 1 गए 1 हुआ, पॉइंट लगाया यहाँ पर 0 लगाया। अब हम कितने टाइम चलेंगे यहाँ पर, अब हम चलेंगे 4 टाइम चलते हैं, ठीक है, 0 लगाया अभी भी नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम 0 लगाएं तो यहाँ 4 टाइम चल सकते हैं, 4 टाइम चलेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 1 और 4 2 जा 8 और 1 9, यानी 96, मीन्स अब यहाँ बना कितना, 10, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए कुछ ही नहीं, तो यहाँ पे फिर से 0 आएगा, प्लस कितना करेंगे 4 करेंगे, यानी 28 हो गया, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये कभी भी फिनिश नहीं होगा, एंड नहीं होगा, यानी रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। जब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा मीन्स ये क्या होगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, मीन्स इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 1.414 डॉट डॉट ऐसे ही आएगी, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मैंने बताया आपको उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिएगा, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम अंडर रूट 3 की वैल्यू देखें, अंडर रूट 3 को भी अगर हम सॉल्व करना चाहें, या 3 लिखा है, 2 2 4 ज्यादा हो जाएगा, मींस 1 टाइम चलेंगे, पहले 1 1 जा 1 हो गया, यहाँ बना 2, प्लस 1 करिए 1 1 2 हो गया, फिर आप ऐसे यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ऐसे करते चले जाएंगे और आपको मिलेगा क्या, 1.7 ऐसे करके समथिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका कैसा डेसिमल है, आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, याद रखिएगा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अगर बात करें तो 0.01001001001001001 ऐसे अगर देखें तो ये भी आपका किसमें आता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में, तो हम इसे भी किसमें ले सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में ले सकते हैं। आपको 3 एग्जांपल्स की जगह 4 एग्जांपल मिल गए, अगर आप चाहिए तो इसकी जगह पे ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से आप इसकी जगह कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं 0.10001000100001000001, ये हो गया, या आप कर सकते हैं 0.20200002000002000002, ऐसे कर सकते हैं, ये भी आपका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। आप यहाँ पे 5 भी कर सकते हैं, 0.50500500000000,
ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। बस याद रखिएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है उसके आगे क्या होता है, डॉट डॉट होता है, मींस वो फिनिश नहीं होगा, उसका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। इरेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है। तुम्हारा रेशनल नंबर दिया है 5/7 और 9/11। इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, सॉल्यूशन राइट करेंगे। सॉल्यूशन राइट कर लीजिए। सॉल्यूशन राइट करने के बाद आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा 5/7। हमेशा याद रखिए पहले हम 5/7 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5/7 को, 5/7 मींस है 5 को 7 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। 5 को 7 से डिवाइड करना, चलते हैं डिवाइड करते हैं। 7 हो गया या 5 हो गया, डिवाइड करिए, जाएगा क्या यहाँ पे 5 है, नहीं जाएगा क्योंकि 7 ज्यादा होता है, बड़ा होता है ना। तो यहाँ क्या लगाएंगे, 0 टाइम चलेंगे, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो गया, पॉइंट लगाया था 0 हो गया, 7 7 49 हो गया, फिर यहाँ 1 कैरी लिया, 10 10 में से 9 है, 1 4 में से 4 कुछ नहीं, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0 लगाया, 7 1 7 हो गया, अब कितना होगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 7 4 28 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना होगा 10 10 में से 8 गए 2 और 2 में से 2 कुछ नहीं, फिर 0 हो जाएगा, 7 2 14 7 3 21 ज्यादा हो जाएगा, मीन 7 2 14 यहाँ पे 10 10 में से 4 गए 6 और 1 में से 1 कुछ नहीं, फिर यहाँ 0 लगाया हमने, फिर चलते हैं 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56 7 8 56 हो गया, फिर यहाँ 10 10 में से 6 गए 4 हो गया, फिर यहाँ 5 में से 5 कुछ नहीं, फिर 0 होगा, फिर चलते हैं ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और ये फिनिश नहीं होगा, है ना, यही आएगा आपका मींस। अब हम क्या करेंगे, इसी को राइट कर लेंगे। 0.71428 डॉट, ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम सेकेंड वाले पे, अपने दूसरे वाले क्वेश्चन को भी, इसको भी क्या करते हैं, दूसरे इरेशनल नंबर को भी सॉल्व करते हैं। 9/11 है, चलते हैं 9 को 11 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो डिवाइड करते हैं 11 9, जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 टाइम चलते हैं, 90 हो गया, आप 11 बन जाए 11, 11 8 जा 88, 10 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 8 कुछ नहीं, 0 लगाया, 11 बन जा 11, यहां बना कितना 10 10 में से 1 गए 9, 1 में से 1 कुछ नहीं, फिर 0, 11 8 जा, मतलब ऐसे ही चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.818, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ 88 आया, फिर 20 यानी मींस 1, तो ये हो गया आपका डॉट डॉट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। क्या लिखेंगे, 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.71428 एंड 0.8181 डॉट डॉट, ना इतना, इसके बाद डॉट डॉट करना मत भूलिएगा क्योंकि ये रिमाइंडर इसका 0 नहीं है। तो एक पल क्या हो जाएगा, देखिए 0.71 है ना, तो 0.72 ले लो, फिर 0.73 ले लो, 0.74 ले लो, बस ये ध्यान देना कि 0.8 से कम होना चाहिए और 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 0.71 से ज्यादा होना चाहिए और 0.81 से कम होना चाहिए, यानी इनके बीच में आना चाहिए।
तो क्या ले सकते हैं, 0.72428 डॉट डॉट, सेकेंड हो जाएगा 0.7342 डॉट डॉट, फिर हो जाएगा 0.7448 डॉट डॉट, 0. मतलब 3 हो गया है, मींस आपको बताने के लिए कि और भी आप कर सकते हैं, आप अपने मन से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने राइट किया वही आप भी राइट करो, इसके साथ और भी कर सकते हो, 0.7542 8 0.76528 ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। पहला है अंडर रूट 23, अंडर रूट 23 को हमको ये बताना है क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल। अब ये बताइए, अंडर रूट 23 को क्या हम स्क्वायर रूट इसका निकाल सकते हैं, अंडर रूट 23 का, अंडर रूट 23 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं ना, अंडर रूट 23 का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे, वी कांट, लिखेंगे क्या, वी कांट राइट 23 एज, वी कांट राइट 23 एज स्क्वायर ऑफ सम नंबर सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका, आपका सेकेंड पार्ट है, आपका देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट है आपका रूट 225। तो देखते हैं 225 को, तो 225 अगर हम देखें तो 225 की बात करें अगर, तो 225 अगर राइट किया गया है तो ये किससे जाएगा, 3 से बन जा 21, 1 आया 15 हुआ, 3 5 जा 15 हुआ, फिर 3 से ले चले 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 जा 25 और 5 1 जा 5, मीन्स ये हो जाएगा आपका क्या, अंडर रूट 3 × 3 × 5 × 5, 2 2 का पेयर बना लेते हैं। अब देखते हैं 2 का पेयर बना, मीन्स एक बाहर ले लिया, 2 का पेयर है एक बाहर ले लिया, 3 5 जा 15, मीन्स इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, फाइंड आउट हो रहा है। और अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो रहा है, मीन्स ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस द नंबर कैन बी, द नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, और इसको 15/1 भी कर सकते हैं ना, तो लिखते हैं क्या, रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज एन इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, इट इज एन रेशनल नंबर, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, आपका थर्ड पार्ट क्या, देखिए बहुत इजी है थर्ड पार्ट आपका, क्या कह रहा है, 0.3796 थर्ड पार्ट, 0.3796 ये आपका थर्ड पार्ट है। अब बताइए क्या इसके आगे डॉट डॉट है, नहीं है, मींस यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो रहा है आपका, आपका रिमाइंडर कितना हो जा रहा है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है, तभी तो यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा। और अगर रिमाइंडर 0 हो गया, मींस आपका क्या है, रेशनल नंबर है। मैंने बताया था आपको कि अगर डॉट डॉट नहीं है, मींस रिमाइंडर 0 हो गया, और जब रिमाइंडर 0 हो गया आपका, तो मींस क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। हमको ये लिखना है, सिंस इट इज टर्मिनेटेड
सिंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सो इट इज अ रेशनल नंबर सो इट इज अ रेशनल नंबर ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ 8478 डॉट डॉट ना मींस इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 7.478 हम देख रहे हैं फिर से 478 आ रहा मींस इसके ऊपर क्या लग सकता है बार लग सकता है बार हाँ इसके ऊपर बार लगाया जा सकता है मींस ये कैसा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या लिखेंगे सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग non-terminating and repeating decimal extensor so it is rational number ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट है आपका फिफ्थ वाला पार्ट। अब फिफ्थ वाला पार्ट आपको होमवर्क में दे रहे हैं हम फिफ्थ वाला पार्ट 1.1001 डॉट अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं मींस ये रेशनल नंबर है या इरेशनल है तो ये आपके होमवर्क में है। अब हम लोग जब नेक्स्ट डे मिलेंगे तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 ओके अच्छे से करेंगे तो आ जाएगा और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि ये कैसा नंबर है रेशनल है या इरेशनल।